हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बॉली टेली रिपोर्टर। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाला है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 का। दोस्तों इस सीजन का बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कब रिलीज किया जाएगा। दोस्तों आखिरकार इस सीरीज को आज रिलीज कर दिया गया है ऑल्ट पलाजी पर। तो आप लोग इतने भी लोग हैं अभी तक नहीं देखे, आप लोग जाइए और जरूर देखिए। टोटल 10 एपिसोड्स है इस सीरीज का और हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट के अंदर है। दोस्तों ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3, इससे पहले भी इसका दो पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2, और दोनों ही पार्ट सक्सेसफुल रहा है। सीजन 3 देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये सीरीज वो दोनों पार्ट से भी ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि सीरीज अच्छा है उसके साथ साथ इस सीरीज के साथ सिद्धार्थ का नाम भी जुड़ जाता है। तो सिद्धार्थ शुक्ला जहाँ होता है तो वो सीरीज तो हिट होना ही है। तो सिद्धार्थ शुक्ला अगस्त राव के कैरेक्टर को निभाया है और अगस्त एक प्ले डायरेक्टर है जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो एक ऐसा बंदा है जो काम करेगा लेकिन अपने हिसाब से करेगा, जो अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। उसको पसंद नहीं है कि कोई बाहर से आकर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे या उसे कुछ डायरेक्शन दे और उसके हिसाब से चले। इस तरह का बंदा अगस्त है नहीं, वो अपने हिसाब से चलने वाला बंदा है। इसी कारण से अगस्त के हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकल जाते हैं। अगर आप बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला को देखा होगा तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बहुत सारी सिमिलरिटीज आप देखेंगे अगस्त का। दोस्तों इसी अगस्त के साथ एक दिन टकराव हो जाता है रूमी का यानी सोनिया राठी का। फिर दोस्तों अगस्त और रूमी का रोमांटिक लव स्टोरी शुरू होता है और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे कि हर एक लव स्टोरी में होता है। अगस्त को हो जाता है रूमी से प्यार, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है कि रूमी किसी और से प्यार करती है। इसी तरह से सीरीज का स्टोरी आगे बढ़ता है, तो मैं ज़्यादा कुछ स्टोरी नहीं बोलूँगा, आप लोग जाइए और देखिए। इस सीरीज में सिद्धार्थ ने अपना हर एक सेंस दिखाया, चाहे इमोशंस हो, एंगर हो, रोमांस हो, सीरीज ने अपना हर एक सेंस दिखा दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत सारा काम किया है लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट काम यही है, और इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का बॉलीवुड का रास्ता तो खुल गया है। अगर बॉलीवुड इसके बाद भी अगर सिद्धार्थ को यूज़ नहीं करता तो बॉलीवुड का लॉस होगा। तो दोस्तों सोनिया राठी ने भी अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है, एज ए न्यू कमर इतनी अच्छी तरह से काम करना मानना पड़ेगा। दोनों का जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छा है, और बाकी और जितने भी करेक्टर हैं सभी करेक्टर ने अपने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है। बहुत ही अच्छे तरह से इस फिल्म को डायरेक्शन भी किया गया है ना, यूथ जनरेशन को ये सीरीज सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों आप जब एक बार इस सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता आप हर एक एपिसोड देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीच में नहीं अच्छा नहीं लग रहा नहीं देखेंगे बोरिंग है, ऐसा नहीं लगेगा। आप एक एपिसोड देखेंगे आपका हर एपिसोड देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें जो सबसे इस सीरीज का प्लस पॉइंट है इसका म्यूज़िक भी इसका बहुत ही शानदार है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। ओवरऑल सीरीज आप एक रोमांटिक इमोशनल सीरीज है, इतने भी सिद्धार्थ से उन लोगों को तो पसंद आएगा ही, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस है उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये सीरीज। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस सीरीज के बारे में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर।